हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 21 जुलाई 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, ssegl.pinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन, आप माय टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था उत्तराखंड। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश ग्रांप्री 2021 किसने जीती है, तो इसका सही जवाब था लुइस हैमिल्टन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। सरकार ने किस शहर में विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। तो भारत में पुरातत्व और संग्रहालय को संरक्षण देने और रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नोएडा में एक विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह जानकारी संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। यह संस्थान कला संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण, एपिग्राफी और पांडुलिपि विज्ञान आदि के इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही इस फील्ड में जॉब करने वाले कर्मचारियों और भारतीय विरासत संस्थान के छात्रों के लिए संरक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बिमल जलान। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई किताब लिखी। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। यह तस्वीर में देखिए, इससे पहले उन्होंने इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड किताबें भी लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुख्तार अब्बास नकवी। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। वे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लेंगे, जिन्हें अब राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। उन्हें तस्वीर में देखिए, गोयल से पहले थावरचंद गहलोत नेता सदन थे, हालांकि मंत्री परिषद विस्तार से ठीक पहले उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन डे कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई। तो अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। इस दिवस की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा पहली बार चंद्रमा पर चलने की तारीख से हुई, जिस दिन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में आयोजित घटनाओं के दौरान इस ऐतिहासिक घटना को मनाने के लिए मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो हाल ही में रूस ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक और सफल परीक्षण प्रक्षेपण की सूचना दी है। मिसाइल को रूस के उत्तर में व्हाइट सी में स्थित एक युद्धपोत एडमिरल गॉर्शकोव से लॉन्च किया गया था। मिसाइल ने 350 किलोमीटर यानी 217 मील से अधिक दूर बेरेंट्स सी के तट पर एक जमीनी लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारने से पहले ध्वनि की गति से लगभग 7 गुना गति से यात्रा की। बात करें यहां पर रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीडिया और प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस IIT में स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। तो प्रसार भारती और IIT कानपुर के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार IIT कानपुर में मीडिया और प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तत्वावधान में 3 क्षेत्रों की पहचान की गई है। सबसे पहले मोबाइल प्रसारण के लिए प्रत्यक्ष और उभरते 5G मानकों के साथ अभिसरण यानी स्टैंडर्ड्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑडियो विजुअल मीडिया के लिए उन्नत एल्गोरिदम। प्रसार भारती और IIT कानपुर इन उभरती प्रौद्योगिकियों को 5G के लिए वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण क्षमताओं के विकास का पता लगाएंगे। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क,
टाइगर रिजर्व में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। तो लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। पुरस्कारों की रूपरेखा को लॉजिस्टिक संगठनों और उपयोगकर्ता उद्योग भागीदारों के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। पुरस्कार की दो श्रेणियां हैं, पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है और दूसरे विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए है। इन पुरस्कारों में प्रक्रिया मानकीकरण यानी प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, तकनीक सुधार, डिजिटल बदलावों और टिकाऊ प्रक्रियाओं सहित सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान और मंगोलिया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में नवीनतम सदस्य देशों मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को शामिल किया है। हाल ही में आयोजित वर्चुअल बैठक में मंगोलिया और ताजिकिस्तान एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य के रूप में, जबकि स्विट्जरलैंड यूरोप के 35वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। आईसीसी में अब कुल 106 सदस्य हैं, जिसमें 94 सहयोगी यानी एसोसिएट्स शामिल हैं। बात करें यहाँ पर ताजिकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है दुशांबे, करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी। वहीं बात करें स्विट्जरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय फिल्म निर्माता की फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने कांस 2021 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पायल कपाड़िया। तो मुंबई के फिल्म निर्माता और फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे की पूर्व छात्र पायल कपाड़िया ने कान फिल्म महोत्सव में अपनी फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता। कांस में कपाड़िया की यह दूसरी आउटिंग है, यह तस्वीर में देखिए। इससे पहले उनकी 2017 की फिल्म आफ्टरनून क्लाउड्स का प्रतिष्ठित समारोह में प्रीमियर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश का स्पाईवेयर पेगासस आजकल चर्चा में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। तो हाल ही में भारत के मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर निगरानी रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। लीक हुई लोगों की सूची में भारतीय मंत्री, विपक्षी नेता, सरकारी अधिकारी और व्यवसायी भी शामिल हैं। NSO ग्रुप नामक इजरायली कंपनी दुनिया भर की सरकारों को पेगासस नाम का स्पाईवेयर बेचती है। इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल iOS और एंड्रॉइड सिस्टम पर चलने वाले फोन की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है। इसके चिंताजनक पहलुओं में से एक यह है कि अब यह जीरो क्लिक अटैक्स में बदल गया है, जिसके लिए फोन के उपयोगकर्ता से किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पहले के स्पीयर फिशिंग तरीकों में टेक्स्ट लिंक या संदेशों का उपयोग किया जाता था। बात करें यहाँ पर इसराइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है न्यू शेकेल। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में सेटअप किया जाएगा। द इंडिया स्टोरी बुक बिमल जलान ने लिखी है। राज्यसभा में डिप्टी लीडर बन गए हैं मुख्तार अब्बास नकवी। स्पेस एक्सप्लोरेशन डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रशिया ने किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज IIT कानपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक न्यू अवार्ड लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसका नाम है नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड। ICC के 78th एनुअल जनरल मीटिंग में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड न्यू मेंबर के तौर पर शामिल हो गए हैं। पायल कपाड़िया की फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को कांस 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है और इसराइल का स्पाईवेयर पेगासस आजकल चर्चा में है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।